मेरे को बुलाया गया है दादागिरी ऑडिशन के लिए। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। अभी फिलहाल मैं रास्ते से ही आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ कॉलेज में दोबारा से, क्योंकि वो साइन आप लोग देखा ही था उस दिन। तो घर के बाहर के रास्ते में, क्योंकि घर में टाइम नहीं मिला और मम्मी पापा बहुत डर रहे, इतना लेट क्यों कर रहे हो, जाओ। इसीलिए शुरुआत आज रास्ते से ही हो रहा है और पता नहीं कितना देरी में पहुंचूंगा। अभी तो काला काला बादल है, लेकिन कितना तक भीग जाएगा पता नहीं, देखते हैं। चलो मिलते हैं बाद में। और गाइस, मेरे पास में है व्हीट, जो कि आप देख सकते हो। ये जाने के टाइम में एक दुकान में सबमिट कर दूंगा, उन्होंने इस व्हीट को आटा में कन्वर्ट करके देगा। मैं जाने के टाइम में सबमिट करूँगा, आने के टाइम में ले लूँगा, एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स सी कितना टाइम लग जाता है आज की इस सफ़र में, छोटा सा सफ़र। बाकी ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन, एवर ग्रीन। बाकी फिलहाल गाइस, मैं आ गया हूँ आटा की शॉप में, चलो लेके जाते हैं। और कितना केजी वेट है इतना इसका, चलो देख लेते हैं। बापा गाइस, हुईट हम लोग सबमिट कर दिए और चलिए मिलते हैं आपको साथ नेक्स्ट स्टॉप में। बाकी मेरे पास तो अभी एक्शन कैमरा नहीं है, इसीलिए मोटर व्लॉग नहीं आ रहा है, माफ करना, जल्दी आ जाएगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस, मैं फ़िलहाल अभी आ गया हूँ स्टूडियो में, क्योंकि मेरे पिक्चर की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले ही पिक्चर लेके गया था यहाँ से, वो वाला रिप्रिंट कर लूँगा। अभी एक पेज कर लूँगा, एक स्टम्प साइज और एक पासपोर्ट साइज, दो कलर। अभी फ़िलहाल इनका कलेक्शन देखो बहुत ही अच्छा है। गाइस, मैंने इतना फोटो ले लिया है और ये अंकल जी मुझे हेल्प किया है, थैंक यू सो मच। आप अभी कर सकते हो, लो मैंने अपने अंकल को बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो बना लूँगा, उसके बाद ही आप ले लेंगे। लो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी फोटो वाला काम अभी ख़त्म हो चुके है, आप लोगों के साथ डायरेक्टली मिलता हूँ कॉलेज में। और गाड़ी बाइक मैंने यहाँ खड़ी करी थी अंदर में, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है रोड ब्लॉक करके बाइक पार्किंग करा, और लोगों का दिक्कत होती है, इसीलिए मैं जितना पसंद करता हूँ कि अंदर ही गाड़ी रखूँ। तो सीधे आप लोगों के साथ कॉलेज में मिलते हैं, बाय। गाइस, कितना गर्म हो गया है धूप के वजह, वो बाबा रे कैसे बैठूंगा मैं, अंदर तो जल जाएगा। गाइस, लाइफ में पोपट ही पोपट होते जा रही है, पता नहीं कब पोपट चले जाएगा लाइफ में सारा, क्योंकि पता चला कि ऑन द वे दैट कॉलेज इज ऑफ नाउ, क्या करे, मैं रिटर्न लेके सीधा घर, और क्या करे। जाने के टाइम में एक हॉस्पिटल में जाऊंगा, क्योंकि एक नॉन पर्सन है उनके साथ मुलाकात करूंगा। हॉस्पिटल में वीडियो बनाना सही नहीं है, वहाँ पर सब लोग दुखी रहते हैं, इसीलिए नो वीडियो विल बी शूटेड ओवर देयर। एंड आफ्टर दैट मिलते हैं आप लोगों के साथ घर में, डायरेक्टली घर। मैं अभी रिटर्न जा रहा हूँ, तो दुआ करें अच्छे से मैं पहुँच सकूँ घर में, ठीक है, बाय। गाइस, ये देखो देवोकी मेमोरियल स्कूल, मेरा एक फ्रेंड था वो पढ़ता था पहले, अभी छोड़ के चला गया, लेकिन अच्छा स्कूल है। गाइस, मैंने दोबारा से आटा के शॉप पे आ गया, लेकिन यहाँ पर गाइस कुछ चल रहा है, समझ नहीं आया क्या चल रहा है, देखने पड़ेगा, रुक जा, आटा लेने के बाद ही देखूंगा क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, मिल गया आटा।
ये देखो 15 kg एक हाथ में उठा गया, उठा लिया, सॉरी 15 kg एक हाथ में। रेस्ट होम, आप लोग देखा ही है कि आज पोपट हो गया था, लेकिन एक गुड न्यूज भी आ गया है। मतलब ऐसा गुड न्यूज मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन हो गया, मैं क्या करूं। तो ये गुड न्यूज ये है कि मेरे को बुलाया गया है दादागिरी ऑडिशन के लिए। पता नहीं ऑडिशन में क्लियर करूंगा कि नहीं करूंगा, ये अलग बात, वो मेरे दिमाग में नहीं है। सिर्फ ये है कि ऑडिशन में बुलाया गया है और मैं जाऊंगा, और ये कल ही है। सो ये कल आपको पता चल, सॉरी पता चल जाएगा कि कल ऑडिशन में क्या हुआ है, मैं सब डिटेल्स में बात दूंगा। और ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो भी बता दूंगा। और आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। सो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मज़ा तो ज़रूर आएगा ना, हर चीज़ को इंजॉय जरूर करना है लाइफ में जो भी हो जाए। आज जैसा पोपट हो गया, कॉलेज में जा रहा था लेकिन कॉलेज ऑफ, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। और मेरे साथ एक गर्ल भी है, वो मतलब हम दोनों एज ए ब्रदर एंड सिस्टर जाएंगे ऑडिशन देने के लिए, उनके साथ भी आपको कल मुलाकात हो जाएगा कल का ब्लॉग में। सो पसंद आए तो लाइक मत देना। मेरे ख्याल से ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल व्लॉग आई एम मेकिंग राइट नाउ, बिकॉज बाद में जब 10 साल या 12 साल बाद देखूंगा कि मैंने ऐसा दिन गुजारा है, अनएक्सपेक्टेडली दे कॉल मी फॉर द ऑडिशन। सो खुश, इतना खुशी कहाँ रखे यार। सो थैंक यू सो मच, पसंद आए तो लाइक मत देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगा, उसके बाद दोबारा से कुछ तो देखूँगा जनरल नॉलेज, पता नहीं क्या पूछेगा राउंड में, तो देखते हैं क्या होते है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।